मोहम्मद हसन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? रोने वाला मूड बना रहा है। अम्मी जान इसको खेड लगा रही है। सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता कर लिया? नहीं नहीं किया, रोज तो कर लेते थे। रोटी पक दे पई है तो नाश्ता। अच्छा, पक सी तो नाश्ता इतने से अच्छा कर लिया है। नहीं, अब्बू को जो नाश्ता मिलता है वो मुखलिस वाले देते हैं। क्या अब्बू आपको नहीं खाने देता? खाने देता है ना, रोटी थोड़ी होती है ना। अच्छा, मतलब नाश्ता अद्धा हुआ है, पूरा नहीं हुआ। अद्धा हुआ है, पूरा नहीं हुआ। सही। और रोटी पकेगी तो वाला पूरा नाश्ता होगा। सही, माशाल्लाह। तो जी इधर देखें, अभी बन रहा है जी इधर पूरा नाश्ता। मैडम जी बना रही हैं, अल्लाह खैर करे। एक दो तीन चार पाँच छः रोटियाँ जी, पूरी खत्म हो गया। आटा लेने की क्या जरूरत है? क्या करोगे? कोई और चीज पका लेंगे, बस रोटी नहीं पकाएंगे। रोटी के बगैर कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम प्यारे मेरे भाई, क्या हाल है? ठीक, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ, आप सब बहन भाइयों की दुआ है। तो सुबह सुबह का टाइम है, सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। अभी जो है मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता, क्योंकि रोजाना जो है मैं टाइम से बना लेती थी। आज ठंड भी बहुत ज़्यादा थी और हसन जो है वो चुप ही नहीं कर रहा था, इसी वजह से मैं चुप करके अंदर सोई रही, नहीं बनाया नाश्ता। तो अभी धूप निकली है, हसन को जो है मैंने पानी दे दिया, तो अभी आग जलाई हुई है, रोटी जो है बनाना स्टार्ट है। हाँ जी, और खाने के लिए तो मेरी तो दाल बनी खड़ी है। और आपने क्या खाना है? मैंने कुछ भी नहीं। मैं क्या खाऊं? अगर अंडा खाना है तो सूरज मिर्च वाला मैं आपको बना देती हूं। अंडा भून दो, कोई बात नहीं, खा लेंगे। ठीक हो गया। मैं वो ना सबज अंडे, सबज मिर्ची वाला ना अंडा आपको तवे पे बना देती। ठीक है जी। बेबो भी खा लेगा, आप भी खा लेगा, आपको पता है बेबो बड़े शौक से खाता है। हाँ जी हाँ जी, बस करो जी। ओके। रात जो है मैं ये लेके आया था 2.5 किलो की बाल्टी, इसको खोलने वाले हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या कंडीशन है। बिस्मिल्लाह पढ़ के खोलो। हाँ, मैं नहीं तो नहीं खोल रहा था, एक हाथ है ना। अभी शापर है ना ऊपर, पट्टो ढक्कन था, पट्टो ना शापर है ना, शापर नीचे है, वो ऊपर थोड़ी है। आए दानेदार, ये है एक नंबर घी, एक नंबर। देखें दाने बने हुए हैं सारे। बिल्कुल। अब ये आपको कितने महीने सही लगेगा? अब मुझे साल पूरा है, बाद खत्म हो जाएगा ना। करम मां, महीना खान गुजारो, 2.5 किलो है यार। अम्मी ऐसे बोल रही है महीने से? नहीं नहीं, अम्मी नहीं बोल रही। आप तो ऊपर मां की तेरा तेरा पत्ता तो 3 किलो घी है जरा, ये हफ्ते का तो करे नहीं। नहीं जाया नहीं करनी, वैसे वैसे बात है कि 20 दिन तो पक्के हैं। अगर यही फैमिली हमारी रही, आपको पता है, अगर दिन में 3-4 खाने बनाओगे तब तो एक मान। हाँ, अगर हम रेसिपियां बनाएं फिर तो 3-4 दिन का है, रेसिपियां बनाने के बाद। हाँ, वैसे सालन तो आपको पता है 20-25 दिन। हाँ जी, वेच वही कुराड़ा तो होगा, और क्या, ऊपर पिघला रखा है और इसके बीच में जो है वो ऊपर ऊपर धूप लगी ना, अंदर धूप नहीं लगी। माशाल्लाह, जोर लगा के हैया, ठपड़प ठपड़प शुरू है, रोटी सारी पकड़ी पी है, पहली रोटी तवे तवे सी वाल और धुआं मारना स्टार्ट कर दिया। तवा कहता है मेरे आग, अब बहुत आग है, डालो मेरे ऊपर कुछ, डाल दो अब। हाँ, ऐसे मेरे हाथ काले थे, रोटी भी काली हो गई। हाथ क्यों काले थे? वो लकड़ी पकड़ी है ना सीधी करने के लिए, काल में लगी। सही। चलो आप ना अंडे कितनी, एक अंडा काफी है या दो? बल्कि दो ले आओ, बेबो भी खाएगा, दो अंडे ले आओ और सबक मिर्ची भी ले आओ। यार अंडे दर्जन लेके आया था मैं। आप दो खाओगे क्या, दर्जन बना दो पूरा? नहीं मतलब दुकान से ले आऊं, इधर से अंदर से ले आओ, यही मुझे डरा दिया कि अंदर से ले आओ, दो अंडे और सबज मिर्ची भी साथ ले आओ, मैं ना बना के आपको फिर रोटी दे देती हूँ। माशाल्लाह जी,
रोटी को घी लगाते हैं ना, इतना धुआं मारती है ना रोटी, चस आ जाती है, चस। गरम होता है ना, जब गरम होता तब साफ धुआं तो मारेगी। कितनी सोनी रोटी बनती है ये सरकारी अट्टे की। वैसे अपनी जो गंदम होती है ना उसकी सफेद रोटी नहीं होती, वो काली बनती है। हाँ, जो इसमें से हर चीजें निकाल लेते हैं ना, इसमें मैदा है सारा। हम अपने मतलब गंदम का आटा तावा जो गूंद के रोटी बना लेते हैं, इसकी नहीं बनती तावा, एक घंटा पूरा रखना पड़ता है क्योंकि मैदा है ना, वो चबड़ हो जाती है। अब सुबह से मामी उठी है, इसको गूंद कर रख दिया मैंने, आप देख कैसे बन गए। ये देखिए कितनी प्यारी रोटी बनी है, आप खुद देखिए, बहुत ही स्वीट और प्यारी प्यारी। क्या कर रहे हो बेबू? किसके साथ? इस्लामुद्दीन बोलो। अच्छा, क्या खेल रहे हो? साइकिल खेल रहे हो? नाश्ता कर लिया? नाश्ता करोगे? अम्मी तेरी अंडे बना रही है। कितना खाओगे? एक काट गिनो मुंह ही चू। चलो हुन दसो कितना रोटी खोसो? दो रोटियां रोजते। अंडे बचावे से सारे खावे से? सारे खावे से। वाह जी वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं भाभी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्लाह का करम है, ठीक है जी। जबरदस्त, क्या बन रहा है नाश्ते में? नाश्ते में चाय बना रही हूँ, अभी रोटी बना ली है। मतलब रोटी शोटी खा ली है? नहीं अभी खाई नहीं, बनाई है। अच्छा, साग के साथ खाओगे? हाँ जी। जबरदस्त, माशाल्लाह। आपने खाना है तो आ जाए। नहीं, हमारा भी बन रहा है नाश्ता, लेकिन वो अंडे के साथ बन रहा है। साग के साथ करना है तो फिर ले देख लेंगे, इसलिए तो आया हूँ। मैंने कहा देख लूँ हर किसी की रेसिपी, जो अच्छी लगेगी फिर वो ले लूंगा। आपको पता तो है मैं सियाना हूँ। हाँ, बड़े तेज हो। चले अभी इसको तिलका लगाना है, लगा लूँ फिर। ठीक है। बालेंदा शहर होवी, बालेंदा शहर होवी। अस्सलाम वालेकुम। बाल तो हमन यार ना ना सही करिया, तबीयत सेहत सब फिट फाट, माशाल्लाह। खैर है सवेरे सवेरे नाश्ते दे टाइम को? अच्छा, सुबह सुबह फिर गर्मी हो जाती है क्या? अस्सलाम वालेकुम टोपी मैन। बढ़िया सोनिया, बढ़िया मजा टोपियां पाती बैठे। सर्दी कन बचना तो है, सर्दी हुन टोपी को लगी है, टोपी फुंडी खड़ी है खुद। यह तो गाल है, मैंने तो मेरे शहर ही में फोड़ में बात यह है कि एक खातून का जो है कमेंट आया था, आप इतना ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये तो अल्लाह के काम है, हमारी इतने क्या मेहनत है। तो उसका जब रिप्लाई आया ना, नौज़ बिल्ला, मैं सबको पैगाम दे रहा हूँ, सुनने वालों को, देखने वालों को, उसने कहा कि ये बंदे के अपने बात में होता है, अल्लाह के बात में नहीं है। मैंने कहा ना अल्लाह के बात में, उन्होंने कहा अल्लाह के बात में नहीं है, आप बंदूक के बात में होता है। नऊज़ बिल्ला मिन ज़ालिक। ये गलत है। मेरा उसको ये पैगाम है कि हमारे दर्जनों बच्चे हैं, ठीक है, तो जितने भी बच्चे हो जाएं उनकी किफालत का जिम्मा किसके पास है? अल्लाह के पास है। हाँ जी, हमारे अब्बू के 11 बेटे और बेटियां थी, सब सेटल अल्हम्दुलिल्लाह, खुशम खुरम जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन लेकिन नहीं। जब उसने ये बात की है ना कि बंदे के वास्ते होता, अल्लाह के वास्ते नहीं होता, नऊज़ बिल्ला, वो तो काफिर हो गई ना। काफिर हो गई बिल्कुल, ठीक है जी। तो ये नहीं होना चाहिए। तो उसको मैंने ये भी कहा कि जिसकी औलाद नहीं हो रही वो खुद से करके दिखाएं, जिनकी औलाद नहीं हो रही ना उसको कह दो कि तू जाके फिर करवा दे। गलत है, गलत है। अल्लाह पाक हिदायत दे ऐसे लोगों को। देखें कितने प्यारे प्यारे हमारे बच्चे हैं, नंबरदार। देखें किसी का होगा इस तरह से, इंशाल्लाह नंबरदार जैसे इंशाल्लाह और बच्चे होंगे हमारे। और ये देखें माशाल्लाह गोड़ू गोड़ू कैसे हो? ठीक। हाँ देखो कितनी प्यारा बोलता है। ये देखें सारे बच्चे खेल रहे हैं, कैसे रौनकें लगी हुई है। हाँ जी,
वाह जी वाह ढोलू, वाह जी वाह। अच्छा जी, मैं नाश्ते में पूछने आया था, मैंने कहा रात तो आपने साग दिया था, अभी क्या मूड है? अभी भी है, दे दें फिर। रोटी भी बन गई, सालन भी है। रोटी मेरी अपनी बन रही है, बस साग दे दो, कहीं वो सब अंडे ना बना ले मेरे लिए, वो फिर गरम गरम बहुत है। साग बड़ा है, खा लो। ठीक है, देती हूं लेकर। देती साग बहुत है, बहुत है। अच्छा, साग ले जाओ, तड़का लगाओ। नंबरदार को तड़का लगा दिया। हाँ जी, वीआईपी तड़का जी, बेहतरीन तड़का। माशाल्लाह जी, साग जो है वो मिल चुका है। खैर तो है, मैंने ना साग की वीडियो दिखाई है तो नाना जान बहुत हंस रहे। सारा दिन हंसते। बस मैंने आज तो सारा दिन हंसेगा, फिर बात भूल जाए तो वक्री है। घर जाएगा। आपने भी घर जाके बताना है। चलो खिलन पैवन यहाँ पे पूछ गिनसन क्या गाल है। जन देगड़े चढ़ देन मुक देने। एक साइड पे दाल, एक साइड पे साग, और रोटी है नहीं। रोटी दे दो अम्मी। रोटी ते बुलाया मैं, रोटी ले ला, ए दे मेरे को। गरम रोटी गरम ये उठा लें जो आपको अच्छी लगे। दस। बस काफी है, एक रोटी खाओगे क्या? हाँ जी। अच्छा। अब्बू के साथ खाया हुआ है इसने। अच्छा अच्छा, वो तो पता है मुझे अब्बू के साथ खाया। ये लो, ये रखो फिर। आप भी एक रोटी बनाइए अपने लिए। ये मैं दो। अच्छा, खुद बहुत मोटी रोटी बनाती है। नरम नरम हो जाती है, मजेदार। फिर जब घी लग जाता है तो टेस्टी बन जाती है। सही है, मेरे साग को ना तड़का लगा दो। अच्छा जी, लगा दे तू, एक मिनट, ये रोटी है बना रहा। लेकिन वो तेरा वो नहीं मानेगा साग से, वो कहेगा अंडे। उसको मैं एक अंडा बना दूंगी, वो मिर्ची भी ले आया। सही है। खैर हो जी, सुबह 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 सुबह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? आप ही जी, क्या हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तो अभी तक नाश्ता ही नहीं किया और आप माशाल्लाह पहुंच गए नाश्ता करके। हां जी, नाश्ता करके पहुंचे हैं या नाश्ता करना है हमारे साथ? नाश्ता करके चाय पी। कहीं अस्पताल गए थे क्या? नहीं, वो ना आप, हम जो है ना अपने तो चैनल पर आज बहन भाइयों को ये विजिट करा रहे थे, विलेज का माहौल। अच्छा अच्छा, तो वहाँ से आए हैं यहाँ जो फसलों के होते हुए। तो अच्छा अच्छा, इधर विलेज में निकल गए थे। सही सही, चल रहे हैं। वो नाना जान भी आए हुए हैं इधर? आए हुए हैं, वो सुबह आ गए थे तो उन्होंने कहा था मैं जा रहा हूँ, हमने कहा आप चले, हम भी पहुँचने वाले हैं बस। सही। माशाल्लाह जी, रेडीमेड अंडा जो है वो तैयार हो चुका है वॉशिंग वेयर का। ये केस का अंडा है? बेबो का हाँ जी। अच्छा, मेरा तो साग को तड़का अभी तक नहीं लगाया होगा। तो पहले आपके बेटे की फरमाइश पूरी करती है, आपके मुझे एक बात ये बताओ। पहले मेरे बेटे को, तो फिर इसलिए मैंने पहले आपके बेटे की बनाई, अब आपकी। सही है, बनाओ बनाओ जल्दी जल्दी। ये है जी मेरी जालिम बीवी, इतनी ज्यादा मिर्चें डाली हैं। अब इसमें घी ऐड करेगी। घी ऐड हुआ पड़ा है। अच्छा, साग ऐड करोगी? हाँ जी। ये लाल मिर्च की का चार पांच सावियां काट देनी तो कितना अच्छा होता। आपने बताया था, आपने कहा मुझे तड़का लगा दो, मैंने लाल मिर्ची डाल दी बस। चलो लगाओ लगाओ। और इधर बेबो जानी जो है वो रो रहा है, मोहम्मद हसन साहब। दादी अम्मा के पास तो ये चुप भी नहीं करता, मैं उठाऊं तो चुप कर जाता है। ये सब आपने बताना है, ऐसा क्यों होता है? अम्मी उठाए तो रोता है, मैं उठाऊं तो चुप कर जाता है। आप उठा ला। मेरे पास अम्मी टाइम नहीं है ना। तेरे पास टाइम नहीं तो बताऊं, मैं कभी उधर जा रहा हूँ कभी इधर, घर का काम हो रहा है, फिर शहर भी जाना है, फिर अभी नहाना फ्रेश भी होना है, नाश्ता भी करना है। 12 बज गए हैं। हाँ जी, 12 बज। बेबो जानी किसके साथ खा रहे हो? बोलो, अंडे के साथ। जमीन पे बैठ के, मिट्टी में बैठ के खा रहा है। वाह, चल
माशाल्लाह जी साग जो है वो ऐड हो चुका है। अब इसमें ना वो मारो चम्मच चम्मच। क्या है बेबो? हाँ जी वाह, ये लग गया है हमारा तड़का वीआईपी। अब आए मत खाएगा, इसको पता चलेगा। क्या यार, एक तो खा लो और भी बना देंगे, ये खत्म कर लो फिर और बना देंगे। मुझे यकीन था पूरा सब आप पे, यकीन था कि सबसे पहले आप अपनी दाल ही लेकर आओगी, फिर बेबो के अंडे लेकर आओगी, एंड में जो है वो अहमद को खाना मिलेगा। आप सब खा लो फिर इंशाल्लाह मैं खा लूंगा। आपको ना बना के दिया हूं, फिर तो आपको बात करने का हक भी है। मिर्ची कुछ भी नहीं है, मिर्चियों वाला जो जुल्म किया है ना, कुछ भी नहीं है, ये ऐसे लाल लाल है बस, और कुछ भी नहीं है। चलो खा के देखते हैं। तो जी माशाल्लाह अभी हमने खाना खा लिया, बेबो अभी खा रहा है। तो प्यारे बहन भाइयों, आप मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज, सब बहन भाई अल्लाह हाफिज़।